हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मुमताज और आप देख रहे हैं लेट्स सिट एंड प्ले। गाइस, काफी टाइम से हम लोग ने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि अभी आपको पता चल रहा होगा मेरी आवाज सुन के कि काफी खराब आवाज है, तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट कीजिए आवाज को। तो फाइनली मुझे आप लोगों के लिए, लेकिन मुझे वीडियो जरूर बनाना था और एक बहुत ही अच्छा गेम मैंने परचेज किया है, तो उसका वीडियो मैं जल्द से जल्द बनाना चाहती थी आप लोगों के लिए। तो वो गेम है स्कल। गाइस, ये गेम एक पार्टी गेम है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में खेल सकते हो। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि ये एक ब्लफिंग गेम है। जो ब्लफिंग गेम, उस टाइप के गेम मुझे बहुत पसंद आते हैं, लाइक कूप बोल सकते हो आप, तो वो गेम भी मुझे बहुत पसंद है। गाइज, इसमें टाइमिंग है 15 to 45 मिनट्स, जिसमें प्लेयर होंगे 3 to 6 और जो इसमें एज है वो है 14+। गाइज, इसमें प्लेयर तो लिखा है 3 to 6, यानी कि मिनिमम 3 प्लेयर आप गेम खेल सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से हम लोग ने 3 प्लेयर गेम खेले है। आप अगर इसमें 4 या उससे ज्यादा प्लेयर खेलते हो तो तभी इस गेम में मजा आता है, क्योंकि ब्लफिंग गेम क्या होता है कि जितने ज्यादा प्लेयर होंगे उतना ब्लफिंग करने का मजा ज्यादा आता है। तो इसलिए अगर आप 4 या 4+ से ज्यादा अगर प्लेयर खेल रहे हो तो तभी आप इस गेम को अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हो पार्टीज वगैरह में। गाइज, ये गेम आता है स्पेस काउबॉय की तरफ से, जो बहुत ही बेहतरीन आप बोल सकते हैं कि गेम डिजाइन करते हैं, बहुत ही बेहतरीन पब्लिशर है जिनका गेम है बहुत ही फेमस, जो मुझे बहुत ही पसंद है, स्प्लेंडर। तो चलिए गाइस, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए गेम शुरू करते हैं, स्कल। गाइस, इसमें हर एक प्लेयर को अपना इंडिविजुअली इस तरह से मैट मिलेगा, तो इसके एक साइड में चारों कॉर्नर्स पे आपको यहाँ पे स्कल दिखेगा, लेकिन अगर आप इसको फ्लिप करते हो तो इसके जो 4 साइड से वहाँ पे आपको मिलता है फ्लावर रोजेस, और इसी मैट से मैच करते हुए आपको यहाँ पे 4 अलग अलग यहाँ पे आपको डिस्क मिलेगी, जिसमें आपको 3 यहाँ पे मिलेंगे आपको फ्लावर मिलेंगे और एक आपको मिलता है स्कल, जो गेम के दौरान मैं बताऊंगी कि आपको करना क्या है। तो चलिए गाइस, इस गेम का सेटअप देखते हैं, जो बहुत ही इजी है। प्लेयर्स अपने अपने मर्जी के हिसाब से अपना कलर चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी फिलहाल मैं 4 प्लेयर के हिसाब से बता रही हूँ। यहाँ पे अपना मैट ले लेगा इस तरह से, और जो उसकी 4 डिस्क है वो ले लेगा यहाँ पे। ये सिर्फ 4 प्लेयर का एग्जाम्पल है, तो इसका भी यूज नहीं है, तो ये सब जाएगा बैक टू द बॉक्स, ठीक है, बॉक्स में रख देंगे साइड में। तो गाइस, ये हो गया आपका बेसिक सेटअप। अभी देखते हैं कि आपको आपके टर्न में करना क्या है। बेसिकली इसमें आपको जीतेंगे कैसा, मैं आपको पहले वो बता दें कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। इसमें आपको सिर्फ 2 चैलेंज जीतना होता है। फर्स्ट चैलेंज जीतने पर आपका जो मैट है वो फ्लिप हो जाएगा स्कल से फ्लावर साइड में, और अगर सेकेंड टाइम फिर से जीतते हो तो आपका जो फ्लावर साइड है वो चेंज हो जाएगा यहाँ पे स्कल में। तो इस तरह से 2 बार फ्लिप हो जाएगा, तो जो भी प्लेयर का सबसे पहले इस तरह से 2 चैलेंज वो जीत जाता है तो वो ये गेम जीत जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि उसको हम लोग जीतेंगे कैसा और आपको आपकी टर्न में करना क्या है, ठीक है। तो फर्स्टली आपको डिसाइड करना है कि फर्स्ट प्लेयर कौन रहेगा। यहाँ पे जो यहाँ पे आपको 4 डिस्क मिली है, उसमें से कोई भी आपको एक डिस्क चूज करनी है आपके गेम प्लान के हिसाब से, जो मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से रखना होगा। सपोज ये पर्पल वाला फर्स्ट प्लेयर है, तो यहाँ पे क्या करेगा वो फ्लावर वाला। सपोज मैंने यहाँ पे एक डिस्क फेस अप करके रखी हुई, किसी भी प्लेयर को दिखाना नहीं है, सभी प्लेयर यहाँ पे क्या करेंगे अपना एक एक डिस्क यहाँ पे रख देंगे। उसके बाद में जिस प्लेयर का फर्स्ट टर्न था, यहाँ पे पर्पल वाले का फर्स्ट टर्न था, तो यहाँ पे मुझे 2 चॉइस मिलेगी, या तो मैं इसके ऊपर और एक डिस्क रख सकती हूँ इस तरीके से, या फिर मैं डायरेक्टली चैलेंज के लिए अप्रोच कर सकती हूँ। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि मैं यहाँ पे और एक डिस्क को ऐड कर रही हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे देखूंगी, मैं सिलेक्ट करूंगी कौन सा रखना है। तो सपोज मैं फिर से और एक फ्लावर डिस्क यहाँ पे रख रही हूँ, इस तरह से रखना है आपको। गाइज, एक चीज याद रखे, ब्लफिंग गेम है, डैट मीन आपको अपनी जो डिस्क है वो जरा भी मतलब किसी भी प्लेयर को दिखाना नहीं है। अभी पर्पल के बारे में, यहाँ पे ग्रीन वाले का टर्न है, तो इसका अपना चॉइस रहेगा, या तो वो डिस्क रखेगा या फिर वो चैलेंज करेगा। सपोज इसने भी एक डिस्क रख दिया यहाँ पे, ये प्लेयर ने भी यहाँ पे एक डिस्क रख दिया। अब यहाँ पे आता है येलो प्लेयर। सपोज येलो वाले प्लेयर ने क्या करा है कि वो मना करा है कि वो डिस्क नहीं रखना चाहता, सीधा चैलेंज करना चाहता है। तो आप चैलेंज किस तरह से करोगे, यहाँ पे जो टोटल जो गेम में जो डिस्क आई है 2, 2, 2 एंड इंक्लूडिंग ये भी आपको मिलेगा, तो यहाँ पे टोटल है डिस्क 7, तो वो मैक्सिमम 7 बीडिंग कर सकता है और 0 तो कर ही नहीं सकते ऑब्वियसली, तो उसको 1 से लेकर 7 तक का वो बीडिंग लगा सकता है।
तो सपोज यहाँ पे जो येलो वाला प्लेयर है उसने यहाँ पे बिडिंग किया नंबर 4, तो गाइज यहाँ पे अभी टर्न आता है पर्पल वाले प्लेयर का, इसके पास में फिर से दो ऑप्शन मिलेगा, या तो वो बिडिंग कर सकता है, बिडिंग ऑब्वियसली उसको हाईएस्ट करनी होगी, इसने 4 बोला है तो उसको 4 से ज्यादा 5 बोलना होगा, या फिर वो पास बोल सकता है। लेकिन अगर उसने इस टर्न में पास बोल दिया तो वो इस राउंड से बाहर हो जाएगा, फिर उसको फिर से बिडिंग करने का मौका नहीं आएगा। तो सपोज यहाँ पे पर्पल वाले प्लेयर ने यहाँ पे पास बोल चुका है तो उसको वापस से मौका नहीं मिलेगा बिडिंग करने का। अभी टर्न है इस तरह से यहाँ पे ग्रीन वाले प्लेयर का, तो उसने बोल दिया यहाँ पे बिडिंग कर दिया 5, अब ये प्लेयर ने बोल दिया पास, तो इस तरह से राउंड ना चलता जाएगा। अभी घूम फिर के फिर से यहाँ पे राउंड आया है येल्लो वाले के पास में, तो येल्लो वाले के पास में चॉइस है, ग्रीन वाले ने 5 बोला है तो इसको 5 से ज्यादा बोलना पड़ेगा या वो पास बोल सकता है। अगर उसने पास बोला तो जो चैलेंज है वो जीत जाएगा ग्रीन वाला। सपोज यहाँ पे येल्लो वाले प्लेयर ने यहाँ पे पास बोल दिया तो सबसे जो हाईएस्ट बिडिंग थी वो ग्रीन वाले प्लेयर ने कही थी, तो वो जो गेम इस राउंड का जो चैलेंजर वो है ग्रीन वाला प्लेयर, तो उसको यहाँ पे मौका मिलता है यहाँ पे सभी की जो डिस्क है ओपन करने का। लेकिन उसने बिडिंग लगाई थी 5, तो उसको मौका मिलेगा 5 डिस्क को ओपन करने का, और उसको ट्राई करना है कि वो 5 डिस्क में, नॉट ट्राई करना है ऑब्वियसली, जिसमें जो रखा होगा वही आएगा। अगर 5 डिस्क में फ्लावर आ जाता है तो वो ये चैलेंज जीत जाएगा, अगर एक डिस्क में भी अगर स्कल आ जाता है तो वो प्लेयर के हाथ से जो उसकी 4 लाइफ है उसमें से एक हो जाएगी गायब, एक उसका जो डिस्क है वो चली जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अभी ओपन करते हैं, और डिस्क ओपन करने का सबसे पहला रूल ये रहेगा कि ग्रीन वाले ने चैलेंज जीता तो सबसे पहला उसको अपना ओन जो डिस्क है उसको ओपन करना होगा। तो सबसे पहला ग्रीन वाला प्लेयर अपना खुद का डिस्क ओपन करेगा, 1 by 1 कर रहे हैं उसको। लवली बच गया, यहाँ पे आया फ्लावर बच गया, मीन्स उसको तो पता ही होगा उसने क्या रखा है, और यहाँ पे भी है फ्लावर। अभी इसने 2 ओपन कर चुका है, 2 में फ्लावर आ चुका है, अभी उसके पास 3 बाकी है, उसके पास में चॉइस है कि तीनों में से किसी भी प्लेयर का डिस्क ओपन कर सकता है, लेकिन जो टॉप में रहेगा उसको वही ओपन करना पड़ेगा, मतलब ये नीचे है तो ये ओपन नहीं कर सकता है, उसको ये ओपन करना होगा। तो सपोज उसने ये ओपन किया, लवली बच गया, अभी उसको और 2 ओपन करना है, बच गया। अभी फाइनली इसका है, इसका मतलब वो ये भी कर सकते है, ये भी 3 बची है, 3 में से कोई भी एक डिस्क को वो ओपन कर सकता है। तो सपोज वो चुनता है फिर से पर्पल वाले प्लेयर को, उसने इसी का डिस्क ओपन किया, लवली, तो यहाँ पे वो बच चुका है, उसने बिडिंग किया था 5, और 1 2 3 4 5 डिस्क ओपन किया और सभी 5 डिस्क में फ्लावर आया है, तो डेट मीन वो ये बिडिंग जीत चुका है। अभी क्या होगा कि सब लोग प्लेयर अपना अपना वापस से डिस्क ले लेंगे, ये चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा इधर, और जो इसका जो मैट था जहां पे स्कल बना था वो हो जाएगा फ्लिप, आ जाएगा यहाँ पे फ्लावर। फ्लिप होने का मतलब ये है कि जो ग्रीन वाला प्लेयर है वो एक चैलेंज जीत चुका है, अभी उसे इस गेम को जीतने के लिए बस और एक ही चैलेंज को जीतना है, तो ट्राई करना है कि बाकी के जो 3 प्लेयर है ना उसको ना जीतने से रोकने के लिए या कुछ उसके साथ में ब्लफिंग करने के लिए उसको उल्लू बनाने का मतलब ट्राई करना है कि किस तरह से वो जीतना नहीं चाहिए। गाइस अभी इसी राउंड कर रहा मैं आपको दूसरा यहाँ पे सिनारियो बताती हूँ, जिस तरह से उसने जो डिस्क ओपन किया था, आप ना गेम खेलते ही खेलते ना अगर कोई प्लेयर यहाँ पे जीत रहा है तो उससे कन्वर्सेशन कर सकते हो, उससे बातचीत कर सकते हो, उसको थोड़ा सा झूठ बोल सकते हो, ब्लफिंग कर सकते हो कि यार ये ओपन कर, मेरा वाला डिस्क ओपन कर, मैंने यहाँ पे स्कल नहीं रखा है, या ये वाला ओपन कर, या मेरा मत कर, ऐसा इस तरह से उसको झूठ बोल सकते हो, उसको थोड़ा सा बोलते ना बातों में आपको उसको घुमाना, उसका ब्रेन वॉश करते जाना है। तो अगर ये प्लेयर चैलेंज जीता था तो उसको क्या करना है, सबसे पहले ये ओपन करेगा, उसके बाद में उसने ये ओपन किया था, और उसके बाद में फिर इसने ओपन किया था। अगर वो सपोज ये वाला प्लेयर का चूज करता था लास्ट, 1 2 3 4 उसको फ्लावर मिल चुके हैं, अभी एक ही उसको डिस्क ओपन करना बाकी है, अगर वो इसका चुनता था येलो प्लेयर का, ओ नो, तो यहाँ पे आ गया स्कल, ये प्लेयर ने यहाँ पे स्कल रखा था, इसीलिए ये प्लेयर ने क्या किया, बीटिंग ना 4 किया, ताकि कोई भी अदर प्लेयर इससे ज्यादा बीटिंग करना चाहिए और वो सामने वाला को उल्लू बना देना चाहिए, कि अगर जिस प्लेयर ने यहाँ पे बीटिंग 4 किया तो डेट मीन उसने स्कल नहीं रखा होगा। तो आप इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगा के ना सामने वाले प्लेयर को थोड़ा सा उल्लू बना सकते हो,
कि बीडिंग उससे हायर करवा दे देगा, ताकि वो आपका ही डिस्क ओपन करे और आपको चांस मिल जाए कि उसकी एक लाइफ को गंवाने का। तो अभी क्या होगा, सब प्लेयर फिर अपना अपना डिस्क ले लेंगे, सब अपना अपना डिस्क यहाँ पे ले चुके हैं। और इसकी जो यहाँ पे चार डिस्क है, जो ग्रीन वाला प्लेयर है अभी वो हार चुका है चैलेंज, तो चारों डिस्क को अच्छी तरह से शफल करने के बाद में उसको इस तरह से फेस डाउन करके मिडल में रखना है। और ये वाले प्लेयर की का चॉइस रहेगा कि इन चारों में से कोई भी एक डिस्क को बिना देखे, कोई भी प्लेयर को भी नहीं दिखाना है। सपोज वो ये वाला डिस्क कर देता है डिस्कार्ड, अभी ये गेम में नहीं रहेगा, अभी जो ग्रीन प्लेयर है 1 2 3 डिस्क के साथ ही खेलेगा। किसी को नहीं मालूम कि इसमें से कौन सा वाला फ्लावर बाहर गया है या स्कल बाहर गया है, सिर्फ ग्रीन प्लेयर को पता होगा कि उसके पास में तीनों फ्लावर बचा है, उसका स्कल ही बाहर हो चुका है। तो इसको भी वो अपना कहते ना एक स्ट्रेटेजी बनाकर खेल सकता है, क्योंकि किसको मालूम नहीं है कि उसके पास में स्कल नहीं है। तो गाइस इसी तरह से ना गेम चलता जाएगा जब तक के कोई भी प्लेयर का, जिस तरह से इसका एक फेस अप हुआ था, मतलब एक साइड फ्लिप हुआ था, फिर से और एक बार फ्लिप ना हो जाए, तब तक ये गेम चलता जाएगा। और सपोज अगर ऐसा होता है कि ये प्लेयर का एक वन साइड तो चैलेंज जीत गया था, उसका ओपन हो चुका है, लेकिन उसको चैलेंजर बनते 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 क्या हो गया, उसके चारों जो डिस्क है, चारों जो लाइफ है, वो हो चुकी है डिस्कार्ड गेम के बाहर। तो अल्टीमेटली ये जो प्लेयर है ग्रीन प्लेयर, वो हो जाएगा गेम से बाहर। अभी सिर्फ जो बाकी की जो 3 प्लेयर है वो ये गेम खेलेंगे, ठीक है, जब तक कि कोई भी एक प्लेयर 2 चैलेंज नहीं जीतता, जब तक ये गेम चलता जाएगा। तो आई होप आपको गेम समझ में आया हो, आपको ये स्कल गेम बहुत अच्छा लगा हो, वीडियो भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप इस गेम का, स्कल का प्ले थ्रू या गेम प्ले देखना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, और ज्यादा अपडेट के लिए आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। गाइज इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, तो आपको पता है आपको करना क्या है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।